हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दयासार काले यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग। इस पूरे टॉपिक को हम तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की पूरी सच्चाई। और सेकेंड पॉइंट हमारा होगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग किस प्रकार से वर्क करता है, ओवरऑल इनका वर्किंग पैटर्न क्या है, ये मार्केट कब स्टार्ट होता है, कब क्लोज होता है, ये सब चीजें हम सेकंड पॉइंट में कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा होगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में सच में इतना ज्यादा पैसा है, वो भी इतने कम टाइम में। और यदि आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए करना सुरक्षित होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के इस पीरियड को किसी ना किसी लर्निंग्स और अर्निंग्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को कम कीमत में खरीद कर उसे थोड़े दिन स्टॉक करके ज़्यादा कीमत में बेचा जाए, तो ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेडिंग। अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, मतलब कि बिटकॉइन और लिब्रा, ऐसी करेंसीज जो हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, उसे हाथ लगा कर टच करके हम महसूस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे डिजिटली प्लेटफॉर्म मतलब कि अपने मोबाइल, अपने पीसीज, अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, इसका मतलब होता है वर्चुअल करेंसी। और क्रिप्टो मतलब होती है दोस्तों कि गुप्त, मतलब कि हम और बाकी सभी लोग उसे देख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, तो ये होता है क्रिप्टो करेंसी। इंडियन गवर्नमेंट ने वर्चुअल करेंसी को बैन कर दिया था अप्रैल 2018 में, फिर 4 मार्च 2020 को ये बैन हटा दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए आप सभी को इस न्यूज़ के बारे में पता होगा। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में आप समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी मतलब क्या है और बिटकॉइन किस प्रकार की करेंसी है। और सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि ये पूरा बिजनेस, ये पूरा इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है। सॉरी, ये एक प्रकार का बिजनेस नहीं है, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। इसलिए इन्वेस्टमेंट इसे बोला जाएगा क्योंकि हम इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके उसे रख दे रहे हैं और जब भी वो हाइपअप हो रहा है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तब हम उसे सेल कर रहे हैं। और बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट का अपोजिट होता है। बिजनेस मतलब कि आपने उसमें एक बार अमाउंट लगा दिया और उसके पूरे स्टैटिक्स और आप उस चीज़ को पूरा समझ लिए और वो चल रहा है, तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, ये एक प्रकार का बिजनेस नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे किया जाता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है ये पूरी तरीके से घर से किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है, घर से किया जाने वाला काम है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की है कि क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का सबसे बड़ा एग्जांपल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब नाजी गवर्नमेंट ने एक मशीन डेवलप किया था जिसका नाम था इनेग्मा, और उस मशीन में कुछ कोड्स जनरेट किए जाते थे जो वो यूज़ करती थी अपनी आर्मी को बहुत दूर पहुंचाने के लिए, और उन कोड्स को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता था। तो ये पूरा क्रिप्टोग्राफी पे मशीन डिपेंड हुआ था और इस मशीन ने ही वर्ल्ड वॉर टू का बहुत ज़्यादा काम किया था नाजी गवर्नमेंट के लिए। और इस मशीन को ब्रेक करने के लिए बाद में इलॉन ट्यूनर, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मशीन डेवलप किया जिसका बॉम्ब नाम दिया गया था, और उस मशीन में उन्होंने नाजी गवर्नमेंट द्वारा निर्मित किए कोड्स जो कि इनेग्मा मशीन में डेवलप किए गए थे, उस मशीन से जो कोड निकलते थे वो बॉम्ब मशीन में डालकर फिर उसे डिकोड किया। तो ये एग्जाम्पल है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी जो है ये मानवीय दिमाग से सॉल्व नहीं होती है, इसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशंस, जो इसके वर्ड्स होते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है। तो सेम क्रिप्टो करेंसी मतलब कि बिटकॉइन और लिब्रा जो भी वर्चुअल करेंसी है, इनके कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी समझने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो काम है ये पूरी तरीके से मशीन्स के द्वारा किया जाता है, मतलब कि पीसीज और सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है। और ये पूरा मार्केट जो है वो सुबह चालू होता है लगभग 6:30 बजे 12 बजे तक ये पूरा मार्केट चलता है, और शाम को 3:30 बजे ये पूरा क्लोज हो जाता है। इस मार्केट को जो है ये पूरी तरीके से वर्चुअल ही मैनेज किया जाता है और वर्चुअल तरीके से ही ये पूरा इन्वेस्टमेंट का जो काम है ये चलता है। जब भी प्रॉफिट हाई होता है तो लोग अपने जो भी बिटकॉइन खरीदे हुए हैं, परचेस किए हुए हैं, उसे
सेल कर देते हैं और जो प्रॉफिट आता है उसे अर्न कर लेते हैं। और ये पूरा कैलकुलेशन जो है ये क्रिप्टोग्राफी के द्वारा किया जाता है और बहुत बड़ा रोल है इस पूरे काम में क्रिप्टोग्राफी का। दोस्तों दोस्तों थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे कि ये बिजनेस किन किन लोगों के लिए करना सुरक्षित है। तो दोस्तों ये बिजनेस हर किसी के लिए करना सुरक्षित नहीं है। इस बिजनेस को करने के पहले आपको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है, इसके किन किन प्लेटफॉर्म में आप काम कर सकते हैं। ये बहुत से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। जैसा कि आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो आती है और बोलते हैं उसमें एड्स आते हैं कि आप एक दिन में इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसका पूरा नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉलेज लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो लोग इस चीज़ को पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं उनसे आप ये सब चीज़ें सीख लें। और पहली चीज़, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वर्चुअल करेंसी में गवर्नमेंट और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके लेन देन में अगर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, किसी ने अगर आपका अमाउंट ले लिया है और आप उससे वापस लेना चाहते हैं, तो उसमें आप अगर वो सामने वाला आपको वापस नहीं कर रहे तो आप गवर्नमेंट का सहारा नहीं ले सकते, आप पुलिस का सहारा नहीं ले सकते हैं, किसी का भी सहारा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से वर्चुअल है। इसमें बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि सपोज मान के चलते हैं कि ये 100 रुपीज का एक नोट है, इसमें आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपके पास भी अगर हो तो आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। आपके पास नोट अगर है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। और इसमें गवर्नमेंट और बैंक सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी से गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जाता है। और गवर्नमेंट ने जैसा पहले भी बोला था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इससे ब्लैक मार्केट को, अंडरवर्ल्ड को, बहुत से जगह पर इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए ये करेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। और दूसरा पॉइंट दोस्तों कि एवरीथिंग ऑन इंटरनेट कैन बी हैक, मतलब इंटरनेट पे अगर कुछ भी है तो वो हैक किया जा सकता है। गूगल पे आप देख लीजिए चेक करके कि बहुत से बार ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर मिलियंस मिलियंस मतलब अरबों रुपए हैक करके, बिटकॉइंस के अरबों रुपए हैक करके दूसरे के अकाउंट से निकाल लिए गए थे। तो एवरीथिंग ऑन इंटरनेट कैन बी हैक, मतलब इंटरनेट पे अगर कुछ भी है तो वो हैक किया जा सकता है। तो ये भी इसके लूप पॉइंट्स है। दोस्तों ये जो ट्रेडिंग है ये पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होती है कि कब आप सुबह उठकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लाखों रुपए कमा लिए हैं और शाम को आपको पता चलेगा कि आपने लाखों रुपए गवा भी दिए हैं, क्योंकि ये पूरा जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि इसका आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, आपने एक प्लॉट लिया है, 10 लाख रुपये का आपने प्लॉट लिया है और आपको प्रिडिक्शन है कि 2 साल बाद वो 15 लाख का या 11 लाख का, मतलब आपको एक अंदाज़ा है वो उतने में बिक जाएगा। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो कितने में बिकेगा। वो बहुत ज्यादा में भी जा सकता है और बहुत कम में भी जा सकता है। इसीलिए ये पूरा जो है ये गैम्बलिंग का काम है। इसमें पूरा गैम्बल चलता है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। यदि दोस्तों आप ये जो इन्वेस्टमेंट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो काम है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा सुरक्षित है जिन लोगों के पास सरप्लस में पैसा है। मतलब कि किसी के पास 50 लाख रुपए हैं जिसमें से 25 लाख रुपए जो है वो उनके काम के हैं और 25 लाख रुपए जो हैं वो कोई काम के नहीं है, वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो 25 लाख रुपए वो व्यक्ति फिर उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा अर्न कर सकता है, जिसमें उनके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं रहेगा कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया यार और उस पैसे की मेरे को ज़रूरत है। ऐसे पैसे अगर आपके पास हैं, आपके पास सरप्लस में पैसे नहीं है, तो आप बिल्कुल इस बिजनेस को मत करिए, इस इन्वेस्टमेंट को मत करिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के काम को मत करिए। अगर आप उसको फुल टाइम अगर बनाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे सही तरीका है कि सरप्लस में पैसा होना चाहिए। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में आपने सभी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से जानी ली होगी। और भी आप इस टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंफॉर्मेशन ऐसी जो ना मिले किसी से भी। जय हिंद, वंदे मातरम।